धरती के ऊपर भगवान उनका फैसला करेगा, जनता फैसला करेगी। हर का दूध दिया जो राजनीति गुंडा में अंगुली उठाकर बताओ विश्वास करो बलात्कार हो जाए तो विधानसभा में बोलता ये हमारी मर्दानगी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द नगरी न्यूज में। उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गुड़ा के बंगले पर जोधपुर पुलिस ने जांच की है और अब इस मामले में राजेंद्र गुड़ा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ना मैं मुलजिम को जानता हूं ना ही मुश्तगिश को, मैं मामले पर जांच करने के लिए एजेंसी का सहयोग करूँगा। जिस बंगले की जाँच हुई है वह मैंने 6 महीने पहले मेरे परिवार ने खाली कर दिया था। मैं कभी कभार वहां जाता था, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। मैं सीएम गहलोत से कहना चाहता हूं कि एजेंसियों का वह दुरुपयोग ना करें। मैं जांच में दोषी पाया गया तो महाराजा गंगा सिंह जैसा फैसला कर दूंगा। बड़ी तादाद के अंदर माता और बहनों का आशीर्वाद मिलता है, बड़ी तादाद में नौजवानों का साथ है। 11 दिन से हम चल रहे हैं तो इसमें सारे लोगों को बड़ी मीडिया के थ्रू जानकारी मिली है, पता चला। तो मुझे ज़्यादा कारण का पता नहीं है, तो जितना पता चला है कि कोई जोधपुर की पुलिस आई है मेरे पास और यदि कोई मामला है मेरी जानकारी मिले तो हम इसको जो भी एजेंट से उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। मेरे पास कोई भी आएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे। इसके अलावा पता चला कि एक लड़का कोई बिश्नोई है और एक लड़का कोई जाट समाज का है, जोधपुर जेल निकाल रहे। मुझे न मुलजिम को जानता हूँ न मुस्तिष्क को जानता हूँ, जिंदगी में कभी मिलना हुआ नहीं। 6 महीने पहले बंगला मैंने परिवार ने मेरे ने खाली कर दिया, कभी कभी मैं जाता हूँ, कल भी जाके आया हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ। और मेरी जानकारी के हिसाब से कांग्रेस राहुल गांधी ये सारे कांग्रेस बाकी के लोग आरोप लगाते हैं कि केंद्र की सरकार केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, CBI का, ED का, इनकम टैक्स का। तो मैं गहलोत साहब को भी कहना चाहता हूँ कि आप अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग न करें इनका, और यदि न्याय की बात हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ गहलोत साहब आपकी तरह बर्दाश्त नहीं हूँ। तो पुत्र मोके चक्कर में 4 लाख वोटों से आप जोधपुर से हार गए, फिर क्रिकेट के आपके RC के चुनाव के अंदर आपने किस किस तरीके से कल वो पत्ते आउट हुए हैं आपके, किस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार है। यदि आप गुस्से में कुछ कर रहे हो तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, न्याय के लिए इंसाफ के लिए महाराजा गंगा सिंह जैसा फैसला कर दूंगा। यदि मेरा बेटा भी दोषी हो तो एक पलड़े में न्याय हो और एक पलड़े में बेटा हो तो न्याय की तरफ खड़ा होकर महाराजा गंगा सिंह जैसा फैसला कर दूंगा। अशोक गहलोत थोड़ी हूँ, राजेंद्र गुड्डा नाम है मेरा। क्या नशे देने जाएंगे गहलोत साहब? मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तो पहले पता, ये एक मुकदमा मेरे पे 6-7-8 दिन पहले मुकदमा लगा है। आज तक राजेंद्र गुड्डा बढ़िया था, 50-60 हजार के लोगों की भीड़ में आके गहलोत साहब आए कह के गए थे गुड्डा से बढ़िया आदमी नहीं, गुड्डा नहीं होता तो मेरी सरकार नहीं होती, आज मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। आज गुड्डा के जोधपुर की पुलिस आ रही है, कभी कहाँ की पुलिस आ रही है, तो आपको ये इन चीजों की कोई परवाह नहीं है। जो सच्चाई है वो साहस को कभी हाथ नहीं आ सकती। मेरा पूरा कोऑपरेशन मिलेगा, फुल कोऑपरेशन होगा, कहीं भी किस तरह की घटना है कुछ मीडिया को दे दे, सब करवा दे, कुछ भी नहीं है तो क्यों टूटने थे उसके, क्यों पागल हो गए थे उसके अंदर। आपको बताना चाह रहा हूँ 80 साल का वो डोकरा शांति धारीवाल तो 10-10 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाए, बलात्कार हो जाए तो विधानसभा में बोलता ये हमारी मर्दानगी है। नारी की सरकार में तू बना दिया ऐसी सरकार को, ऐसे मंत्रियों को, तो ये कहते हैं महिलाओं के बच्चों के दुष्कर्म, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चों के दुष्कर्म में क्या दिए, ये मर्दों का प्रदेश है। ऐसा बोलने वाले लोगों को इस राजस्थान की धरती के ऊपर भगवान उनका फैसला करेगा, जनता फैसला करेगी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आपको बता देना चाहता हूँ मेरे 5 साल के अंदर आपका कई भी मर्द दर्ज होने दिया है, तो पूरी भारत का कोई नहीं कर
भाई के बारे में मैं कस्तूर किया तो राजेंद्र गुड्डा में अंगुली उठा के बताओ, गिरफ्तार करो, अभी पूरी जांच में फुल कॉर्पोरेशन करूंगा। मामले में कोई भी दोषी हो उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें, नाबालिग से रेप के मामले में जांच करने के लिए जोधपुर पुलिस आज सुबह बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड्डा के बंगले पर पहुंची। पुलिस ने बंगले पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जोधपुर के पिपाड़ी सिटी थाने में एक नाबालिग ने कुछ लोगों पर रेप का आरोप लगाते हुए कहा था कि गुड्डा के बंगले पर भी उसके साथ ज्यादती हुई थी।